हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप धन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ब्रेकेट ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करोगे। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेकेट ऑर्डर होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ब्रेकेट ऑर्डर मतलब कि किसी भी चीज़ के आगे और पीछे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी शेयर बाई कर रहे हैं तो आपको आगे भी ब्रेकेट लगाना है और पीछे भी ब्रेकेट लगाना है। और ये जो ब्रेकेट है ना, तो वो दो तरीके की लगती है। एक तो लगता है स्टॉप लॉस का और एक लगता है बुक प्रॉफिट का। मतलब कि अगर आप प्रॉफिट आप पहले से ही अपना टारगेट बना लेती हूँ कि इस शेयर में मुझे मैं ट्रेड करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ ट्रेडिंग में ही ब्रेकेट ऑर्डर काम आता है, इन्वेस्टिंग में नहीं, ठीक है। तो अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ब्रेकेट ऑर्डर बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं और आपने पहले से सोच लिया कि नहीं, इसमें मुझे पर शेयर एक रुपये का प्रॉफिट होना है, ठीक है, मतलब कि इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, या फिर दो रुपए का चाहिए, या फिर तीन रुपए का चाहिए, आप अपना माइंड बना लेते हो कि जब इसमें एक रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो ये शेयर सेल हो जाए, ठीक है, मतलब कि तब ये ऑर्डर बुक हो जाए, ठीक है। तो आप पहले से ही सेट कर देते हो, या फिर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो कि ये मैंने शेयर मैं इस प्राइस में ख़रीद रहा हूँ और अगर ये एक रुपये डाउन होता है, ठीक है, तो इतना लॉस मैं सह सकता हूँ। तो आप क्या है, पहले से सेट कर देते हो कि अगर ये डाउन होता है ना तो ऑर्डर बुक हो जाएगा, मतलब कि अपने आप शेयर है तो वो सेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये मोबाइल पर किस तरीके से आप बुक कर सकते हो। तो फ्रेंड, धन मोबाइल ऐप के थ्रू ब्रैकेट्स ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको वॉच लिस्ट पर आना है और यहाँ पर आप किसी भी शेयर को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पंजाब नेशनल बैंक को मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है। NSE और BSE, इसमें दोनों चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं इसमें ऊपर NSE वाले स्टॉक्स को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पर यहाँ पर क्लिक किया। अभी इसका ये जो चार्ट है तो वो आ चुका है, आप देख सकते हो लाइव स्क्रीन पर। तो अभी आपको ब्रैकेट्स लगाना है, ठीक है। तो आप इधर बाई पर क्लिक करोगे तो इन्वेस्टिंग पर ब्रैकेट्स वाला ऑप्शन है तो वो नहीं आएगा। जब आप ट्रेडिंग करोगे, मतलब कि इंट्राडे में आप कोई भी शेयर लोगे, तब ब्रैकेट्स का ऑप्शन आने लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी क्वांटिटी में आप सिलेक्ट कर सकते हो शेयर की क्वांटिटी, उसके बाद इधर ये प्राइज है तो ये आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है नीचे, ठीक है। तो अभी ये मार्केट प्राइस पर है, आप इधर इसमें लिमिट भी लगा सकते हो, लेकिन आपको जाना है ब्रैकेट्स पे। जब आप ब्रैकेट्स पे आ चुके हो यहाँ पर, तो नीचे ये शेयर का करंट का प्राइस है, ठीक है, कि आप ख़रीदना कौन से प्राइस पर चाहते हो। तो उसके लिए भी आप यहाँ से लिमिट और मार्केट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस ही रहने देता हूँ। अब ब्रेकेट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो वो टारगेट लगाना और स्टॉप लॉस लगाना ही होता है, इसीलिए ब्रेकेट लगाया ही जाता है। तो अभी ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव है कि आपको इधर 0.1 रुपये का, मतलब कि 0.25 पैसे का प्रॉफिट होगा तो ये शेयर सेल हो जाएगा। अगर आपको इधर लॉस होता है शेयर में 0.75 पैसे का तो ये सेल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर वो भी कर सकते हो, ठीक है, घटा बढ़ा भी सकते हो कि आप इतना लॉस सह सकते हो। मैंने देख लिया कि मैं इसमें अभी ये 30.75 रुपये का है, तो अगर ये 29.75 रुपये का भी हो जाता है तो मैं लॉस सह लूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ जब इसका प्राइज 31.75 रुपये हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी इसमें सीधा का सीधा प्रॉफिट भी 1 रुपये सेट कर दूंगा, ठीक है, कि मुझे इतना यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए और लॉस भी मैं इतना ही सह सकता हूँ। यहाँ पर मैं लॉस कम सह सकता हूँ तो मैं यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने कर दिया है। अब इसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बाई पर क्लिक करना है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसमें लिमिट लगाना चाहता हूँ तो प्राइस पर मैं यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी इसका 30.80 रुपये है तो मैं इसमें 5 पैसे घटा देता हूँ, ठीक है, कि तो 30.75 रुपये पे जब ये शेयर आएगा तो तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद ये टारगेट अचीव हो रहा होगा तब एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर ये लॉस हो रहा होगा इसमें 0.80 पैसे का तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इस ऑर्डर की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये दो में से कुछ होने पर, ठीक है। तो अभी मुझे ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पर मैंने लिमिट को सेट कर दिया है और मैं बाई पर क्लिक कर देता हूँ। और अगर मार्केट ऑर्डर में इसको ख़रीदते तो ये ऑर्डर तुरंत लग जाता, ठीक है। और जब ये शेयर अभी इतने का आएगा, 30.75 रुपये का होगा, तो ये एग्जीक्यूट
हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ऑर्डर लग चुका है। अब मैं इसको अगर मॉडिफाई यहाँ से करना चाहूँ तो इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, मतलब कि मार्केट प्राइस भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं इस ऑर्डर को अगर कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसमें एग्जिट भी हो सकता हूँ। तो एग्जिट होने के बाद इसकी वैल्यू है तो वो कुछ भी ना रही, ठीक है, मतलब कि ये ऑर्डर अभी कैंसिल हो चुका है। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा कि ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना कितना सिंपल है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने धन एप्लीकेशन में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना ना आता हो तो हमने ये वीडियो बना दिया है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।